प्रिय विद्यार्थी साथियों, आज से आपका करियर एडवाइस चैनल स्कूली बच्चों और किशोरों के लिए भी कार्य करना प्रारंभ कर रहा है। हमारे देश भारत में 33 सैनिक स्कूल हैं, उनमें एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस वीडियो में हम इसी बारे में सभी आवश्यक जानकारियां आपको देने जा रहे हैं। इसका लाभ आपके छोटे भाई बहनों को मिलेगा। वीडियो देखिए और आज की अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना को पहले खुद समझ लीजिए और फिर जरूरतमंदों तक पहुंचा दीजिए। आपकी यह पहल किसी के जीवन को संवारने में सहयोगी बनेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए अपने मोबाइल के दरवाजे खोल दीजिए। सैनिक स्कूल का क्या महत्व है, आप जानना चाहते होंगे ना कि आखिर सैनिक स्कूल में क्या खूबियां हैं? तो सुनिए साथियों, देश के सैनिक स्कूल अपनी शिक्षा और अनुशासन के लिए सुविख्यात है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे न केवल बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करते हैं अपितु शारीरिक सबलता और अनुशासित जीवन शैली भी प्राप्त करते हैं। सेना में करियर बनाकर देश सेवा करने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष लाखों बच्चे इन स्कूलों में एडमिशन लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनमें एडमिशन मिलना इतना सरल भी नहीं है। किस कक्षा में होता है सैनिक स्कूल में एडमिशन? सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों को कक्षा छठी और नवी में एडमिशन दिया जाता है। छठी में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी आठवीं तक सैनिक स्कूल में पढ़ सकते हैं। नवी में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी कक्षा बारहवीं तक सैनिक स्कूल में अध्ययन करते हैं। कैसे होता है सैनिक स्कूल में एडमिशन? सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। इंट्रेंस टेस्ट उत्तीर्ण करके मेरिट में आने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को सैनिक स्कूल में प्रवेश मिल पाता है। इसको अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम AISSEE कहा जाता है। जाहिर है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली और परिश्रमी हैं, वो ही इन स्कूलों में जगह बना पाते हैं। अब कब होगी प्रवेश परीक्षा? सत्र 2022-23 के लिए एडमिशन हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी 2022 को होगा। यदि आज से हम गणना करें तो हमारे पास लगभग 3.5 माह का समय है। यदि आपके भाई बहन या परिजन या परिचित बच्चे इस समय कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं तो उन्हें कक्षा 6 में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, और यदि वे 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उन्हें 9वीं कक्षा में एडमिशन लेने के लिए तैयार करें। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कब करें? यह एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसे ध्यान से सुनिए। सत्र 2022-23 के एडमिशन हेतु होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया जाना 27 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो गया है। ये आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2021 है। चैनल की यह सलाह है कि लास्ट डेट की प्रतीक्षा न करें, अपितु शीघ्र निर्णय लेकर ऑनलाइन आवेदन कर दें। आवेदन करने के लिए फीस कितनी लगेगी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के लिए ₹400 तथा सामान्य और रक्षा श्रेणी के विद्यार्थियों को ₹550 शुल्क निर्धारित किया गया है। क्या कोई आयु सीमा भी तय की गई है? जी हाँ, कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए आवेदक की उम्र 31 मार्च 2022 तक 10 से 12 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। जिन बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के मध्य हुआ हो, वे आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
कक्षा नवी में एडमिशन लेने के लिए आवेदक की उम्र 31 मार्च 2022 तक 13-15 वर्ष के बीच होना चाहिए। जिन बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2009 के बीच हुआ हो, आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे। आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आप सूची बना लीजिए। इन दस्तावेजों में शामिल रहेंगे उम्मीदवार की फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, सेवा प्रमाण पत्र यदि आवेदक सेवारत रक्षाकर्मी या पीपीओ भूतपूर्व सैनिक के पुत्र या पुत्री हैं। प्रवेश परीक्षा कैसे होगी? सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु परीक्षा ऑफलाइन होती है। देश के 176 शहरों में इस परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी 4 परीक्षा केंद्र हैं। ये हैं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा। क्या हमारे मध्य प्रदेश में भी सैनिक स्कूल है? जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल रीवा में स्थित है। रीवा में कक्षा 6 में कुल 73 सीट उपलब्ध है। क्या ये स्कूल लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है? जी हाँ, इनमें छात्रों और छात्राओं दोनों को पढ़ने की सुविधा प्राप्त है। कैसे होती है 6 की प्रवेश परीक्षा? कक्षा 6 में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा में 300 अंकों के लिए 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को 150 मिनट यानी 2.5 घंटे में हल करना होता है। 125 प्रश्नों में से 50 प्रश्न गणित के होते हैं। गणित के प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। 25 प्रश्न भाषा के रहेंगे। भाषा के हर प्रश्न के लिए भी 2 अंक तय किए गए हैं। 25 प्रश्न बौद्धिकता के होंगे। इस श्रेणी में भी हर प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। जाहिर है कि परीक्षा में सफलता में गणित के ज्ञान की बड़ी भूमिका है। अपने बच्चों को गणित में दक्ष बनाइए, क्योंकि 300 कुल अंकों में से 50% यानी 150 अंक तो गणित से मिलेंगे। कैसे होती है नवी की प्रवेश परीक्षा? कक्षा नवी में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा में 400 अंकों के लिए 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को 180 मिनट यानी 3 घंटे में हल करना होता है। 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न गणित के होते हैं। गणित के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। 25 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। 25 प्रश्न बौद्धिकता के होंगे। हर प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है। 25 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के होंगे। इस श्रेणी में भी हर प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। जाहिर है कि इस प्रवेश परीक्षा में सफलता में भी गणित की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि 400 के कुल अंकों में से 50% यानी 200 अंक तो गणित से मिलेंगे। स्पष्ट है कि जो बच्चे गणित में तेज हैं, उन्हें सैनिक स्कूल में पढ़ने का मौका मिलने की संभावना अधिक है। परीक्षा का स्तर काफी अच्छा होता है, क्योंकि परीक्षा का आयोजन NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। यह देश की कई प्रतिष्ठित परीक्षाओं का आयोजन करने वाली प्रामाणिक एजेंसी है। कैसे करें तैयारी? बाजार में सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए किताबें उपलब्ध हैं। आप कम से कम 2 किताबें लाइए और उनके आधार पर तैयारी करवाइए। बच्चों की बेसिक्स क्लियर करवाने पर अधिक बल दीजिए। तो आप सैनिक स्कूल के बारे में बहुत सी बातें जान गए हैं। यह सूचनाएं आपको उपयोगी भी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए,
इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिए। हंसी मजाक के वीडियो तो बहुत शेयर होते हैं इस चैनल पर, प्रायः प्रतिदिन करियर को उन्नत बनाने वाले वीडियो अपलोड होंगे। इसके लिए हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।